नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी मुंबई टीवी न्यूज़ के साथ में, और आज हम हैं मुमरा के अंदर। मुमरा के अंदर जो यहां के एक्स मेयर रहे नईम खान जी, जो कि मुमरा में लोग मोहब्बत से उनको बॉस भी बुलाते हैं, और आज उन्होंने यहां पर जो उनकी एक जो संस्था है जन विकास फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने यहाँ पे जो कार्यक्रम लिया है उस कार्यक्रम के बारे में आज हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो फ़ायदा आप इसके माध्यम से लोगों को पहुँचाने जा रहे हैं। सर जी, तो ये बताइए किस तरीके के फ़ायदे अभी तक लोगों को पहुँच पाए इससे? देखिए, हमारा फाउंडेशन है, बहुत पुराना फाउंडेशन है, और इस माध्यम से क्योंकि बहुत सारी सरकारें आईं, बहुत सारी योजना आईं, लेकिन वो योजना कभी माइनॉरिटी के इलाके में नहीं आई, मुसलमानों के इलाके में नहीं आई। तो हम लोगों ने जो बीजेपी की योजनाएं थी जो माइनॉरिटी की तरफ से बहुत है, उनको वो योजनाओं को हमने इम्प्लीमेंट किया। राशन कार्ड है, मीटर्स हैं, मीटर बहुत पुराने हो गए हैं, स्लो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, फिर रेड करते हैं और गरीब लोगों को तंग करते हैं कि भाई आपका मीटर एग्जिस्ट है, ये वो ये सब, यानी इस तरह की हरकतें। फिर 50,000 जो बेवा हैं उनको 50,000 रुपया मिलेगा, जो महिलाएं हैं जिनके घर उनके नाम पर हैं उनको 5 लाख रुपया लोन मिलेगा बगैर इंटरेस्ट, फ्री के। उसके बाद आपका 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपया हर इंसान, औरत हो या मर्द हो, उसको 2 लाख रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इंश्योरेंस मिलेगा। योजना है RTI के हिसाब से, एजुकेशन लड़कियों का फ्री है, लेकिन पहली क्लास से लेके नवी क्लास तक, लेकिन आज तक वो योजना नहीं लगी है, कोई कॉलेज कोई स्कूल यहाँ पर लगाता नहीं है, और हमारी माइनॉरिटी बच्चियों को फीस भरना पड़ती है। ये सारी योजना की वजह से ये आज इतने साल हो गए, नेतागिरी बहुत आए, नेता बहुत आए, बहुत आए बहुत गए, लेकिन ये योजना सरकार सबकी होती है। मेरे को BJP से और इससे उससे मतलब नहीं है, मतलब जो है वो कोई भी सरकार हो जो अगर मुसलमानों के लिए योजना, माइनॉरिटी के लिए योजना दे रही है, तो वो योजना मेरी कौम के लिए पूछाने के मेरा हक बनता है और मैं ये पूछा रहा हूँ। नईम खान जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने जो BJP की बनाई हुई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने की यहाँ पे बात की, इससे पहले कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में रही है और देश में रही है, उसकी भी जो योजनाएँ थी क्या उनको भी चलाने का काम आपके जो संस्था उसने किया था क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कांग्रेस की संस्था रही और या NCP की रही, आज तक योजना आपने देखी नहीं, आपने देखी योजना यहाँ पर? सरकारी योजना आई नहीं है, वायदे वही बहुत हुए हैं। यहाँ तो ऐसा हिसाब हो गया कि अब आप फॉर्म भर दीजिए, आपको 1 लाख नौकरियाँ मिलेंगी, आपको 3,000 नौकरियाँ मिलेंगी, इलम कुछ नहीं, आप लाइट के बिल कम हो जाएंगे, कुछ नहीं, वही का वही रोना है, रोना कम नहीं हुआ है हम लोगों का। तो कहने का मतलब है योजना है कहाँ? यहाँ तो उद्घाटन भी रात के 12-1 बजे होते हैं, उद्घाटन मेरी ज़िंदगी हो गई, उम्र हो गई, राजनीति के अंदर हो गई, उद्घाटन मैंने हमेशा दिन में देखा है, ये रात में उद्घाटन पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। नईम खान जी, जिस तरह से आपने उद्घाटन की बात की है उसमें एक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या मुमरा की जो राजनीति है वो छुपा छुपी या अंधेरे में चलने वाली राजनीति है क्या? देखिए, अंधेरे में कौन चलता है ये तो आपको भी अच्छी तरह मालूम है, ये कोई बोलने की बात नहीं है, यानी डकैत चोर ये सब रात में अंधेरे में ही चलते हैं, साहूकार दिन में चलते। मेरे को तो इतना है कि अगर आप साफ सुथरे हो, आपको वाकई में उद्घाटन करना है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था 2 दिन पहले, आप ही के माध्यम से मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसमें आपने बोला कि 10 तारीख उद्घाटन होएगा, फिर रात में उद्घाटन का क्या सवाल आता है? आप दिन में उद्घाटन करो ना, और फिर तो आप आमदार हो, और PWD का मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, अगर उसने दिन में उद्घाटन भी रखा तो आप भी शामिल हो जाते, इसमें कोई वो बात थोड़ी नहीं है क्या इसने क्या उसने क्या। दूसरा भी अगर काम कर रहे तो ठीक है ना, हमारे भलाई के लिए कर रहे, फिर आप हर चीज़ अपने सेहरा लेके जा रहे हो तो सेहरा एक ही बार बनता है, घड़ी घड़ी सेहरा नहीं बनता है सर के ऊपर। जिस तरह से नईम खान जी ने बात की कि कहीं ना कहीं मुमरा की जो राजनीति है और ये उद्घाटनों का जो श्रेय लेने का काम है, काम कोई भी करे लेकिन श्रेय लेने की जो भाग दौड़ है, चाहे वो रात हो या दिन हो, जिस तरह से हमने देखा कल मुमरा बाईपास का जो इनॉग्रेशन हुआ और रात के 12 बजे हुआ है, ये 12 बजे होने का जो रीज़न है, जिस तरीके से नईम खान जी ने बताया कि अगर सही व्यक्ति है तो वो दिन के उजाले में आए, लेकिन जहाँ दिल में और दिमाग में कालिक है, वो कालिक को कहीं ना कहीं दर्शाने के लिए और ये छुपा छुपा खेल खेलने के लिए ये मुमरा की राजनीति को रात के 12 बजे चलाने का काम करते हैं, और यही उन्होंने कहा है। और हमसे आपने बात की नईम खान जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।